आज के बाद एक नए अज़्म के साथ देखिए, जो सोया वो खोया। जब मैं सुना रहा हूँ आप सुन रहे हैं, क्लास में आपको टीचर सुनाते रहते हैं आप सुनते रहते हैं, आपके अम्मी अब्बा सुनाते रहते हैं सुनते रहते हैं, बड़े घर के लोग हमेशा सुनाते रहते हैं आप सुनते रहते हैं, लेकिन सब 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 लोगों की यही शिकायत है, सुनते नहीं। कुछ लोग तो सुनने की एक्टिंग करते, सुनते दिलते कुछ नहीं। अक्सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनना, याद रखिए, जिंदगी में अगर आपको अच्छा बोलने वाला बनना है तो पहली शर्त है अच्छा सुनने वाला बनना। क्योंकि बहुत बार कोशिश भी होती है, नहीं नहीं मुझे सुनना है, एहसास भी होता है ये काम का हो रहा है, ये समथिंग इज डिफरेंट, ये बहुत काम का है मुझे सुनना है, और वो सुनते रहता बम बल्कि गायब हो जाता है। स्टडी करते वक्त भी ऐसा होता है, आपकी बहुत टेंशन है, बहुत कुछ आपको करना है, एक टेंस के साथ आप बैठने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं, और पढ़ते पढ़ते किधर चले गए पता भी नहीं चलता, फिर खींच के आना पड़ता है। कभी कभी तो हमारा ध्यान अनवांटेड चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? इससे निकलना आपको कोई भी नहीं निकालेगा, इसे खुद को खुद ही निकलना है। हाँ, सुनने के लिए पहले तो प्यास लगती है, जुनून लगता है, तब जाकर दिलचस्पी पैदा होती है। अब जिसको भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, उसको आप क्या सुनाएंगे? तो जैसा कि कोई किसी को नहीं संवारता, खुद को खुद ही संवारना है, तो पहली चीज सुनना।